राम राम भाई सारे जमींदार भाइयों ने। और आज हम स्पेशल वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, मैसी फर्गूसन 35 की। और ये अपने साथ हैं, अपने खास मित्र हैं बड़ाना साहब, इनके घर पे आए आज हम फरीदाबाद में। इन्होंने ट्रैक्टर स्पेशल तैयार करवाया है और इसके अंदर एक एक पॉइंट जो है इतना सोच समझ के, इतना कॉस्टली इन्होंने लगाया है कि ये ट्रैक्टर बहुत कॉस्ट लग के तैयार हुआ है, बहुत पैसा इस पर लगाया गया है। और क्वालिटी की अगर हम बात करें तो भी एक एक मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद ये कहोगे कि हाँ भाई बड़ाना साहब ने जो है ट्रैक्टर के ऊपर पैसा लगाया है। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन जरूर दबा लें ताकि पूरे वर्ल्ड में आप लोग हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। चलिए आपको मिलवाते हैं इस ट्रैक्टर के ऑनर से, बड़ाना साहब से। नमस्कार बड़ाना साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। मेरा नाम विजय है और हमारा गाँव अनंगपुर है और ये फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। फरीदाबाद के अंदर जी। ऐसा है जी, हमने एक हमारे फादर की एक इच्छा थी जी कि एक ट्रैक्टर हो बहुत अच्छा सा, उनको बहुत शौक है ट्रैक्टर का, इस वजह से मैंने उनके लिए ही स्पेशली ये तैयार कराया है। और मतलब मैंने जो ये तैयार कराया है केवल ये शौक के लिए, शौक के लिए। इस ट्रैक्टर के साथ खेती वगैरह कुछ नहीं करनी आपने? नहीं, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, शौक के लिए तैयार कराया। अच्छा, जैसे पहले दादाजी के पास ट्रैक्टर होते थे पुराने टाइम में? जी जी। अच्छा, उनके पास कौन से ट्रैक्टर होते थे? फर्गूसन था हमारे पास पहले। फर्गूसन था जी जी, पहले फर्गूसन था और भी बड़े ट्रैक्टर हैं हमारे पास, लेकिन ये ट्रैक्टर हमने यहीं पर फरीदाबाद यहीं पर घर पे रखने के लिए शौक के लिए तैयार कराया है, घर पे ही खड़ा करने के लिए। हाँ जी। और ये ट्रैक्टर आपने तैयार कहाँ से करवाया, थोड़ा सा हमारे किसान भाई को भी बताया ताकि जिस भाई को भी ट्रैक्टर में क्वालिटी पसंद आए वो भी उसी जगह से तैयार करवा सके ट्रैक्टर जहाँ से आपने करवाया है। देखो जी, मैंने यूट्यूब पर बहुत वीडियो देखी और अलग अलग चीज़ सिलेक्ट करके और अपने दिमाग से मैं सोनीपत गया और वहाँ पर अलग अलग जगह से मिस्त्री अलग पकड़ा, मैकेनिकल काम अलग कराया मैंने, इसमें पेंट का अलग कराया है काम और एसेसरीज़ का अलग काम कराया, सारे सिलेक्ट करके मैं दिल्ली से सारा चीज़ परचेज कर करके अपने सामने सारा काम कराया मैंने इसके अंदर। तो लगभग सी कॉस्ट जो इसकी कितनी आ गई होगी आपकी? कॉस्टिंग का मैं अभी कोई अंदाज़ा नहीं दे सकता क्योंकि मैंने ऐसा कुछ जोड़ा नहीं है। जोड़ा नहीं, टोटल नहीं किया। मैंने तो ये शौक के लिए तैयार कराया, मैंने कोई सेल परचेज शौक का तो मोल भी मोल ही नहीं होता, कोई बिजनेस के हिसाब से तैयार नहीं किया मैंने ये। तो चलो मैं चाहूँगा कि आप पॉइंट टू पॉइंट हमारे किसान भाई को बताएं ट्रैक्टर के बारे में कि कौन सा पॉइंट जो है, कौन सा पार्ट आपने कहाँ से असेंबल किया और किस तरह से इसमें क्या क्वालिटी आपने तैयार की है और हो गए ट्रैक्टरों से अलग। एक्चुअली सबसे पहले मैंने इसके अंदर मैकेनिकल सारा काम कराया है, जिसके अंदर इंजन, गियर, पीछे हाइड्रोलिक, ये टोटल मैंने खुलवा के और जो भी कमियाँ थी टोटल सारा सिम्पसन का इसके अंदर इंजन आता है, मैंने हेड, इसकी क्रैंक। थोड़ा सा बढ़ाना भाई ना, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको कैमरे के आगे से जो ट्रैक्टर हम दिखा रहे हैं जी, इसकी थोड़ी क्वालिटी के बारे में उनको बताओ आप। पहले मैंने इसके अंदर मैकेनिकल काम कराया इसके अंदर, उसके अंदर मैंने इसके क्रैंक हेड टोटली मैंने टेफे, जो सिम्पसन का यही सारा सामान आता है इसके अंदर ओरिजिनल, वो मैंने सारा चीज़ चेंज कराई है। ये मैंने एडिशनल कराया जो नए मॉडल के अंदर आता है वाटर सेपरेटर, ये मैंने लगवाया, ये मैंने निकल कराया था इसके अंदर, ये कुछ अलग भी कराया है मैंने थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर। अच्छा, काम डीजल फिल्टर होते थे जी जी वाले, इस पे निकल करा, ये निकल करा दिया जी, ठीक है जी। ये ओरिजिनल इसका साइलेंसर ये भी चेंज कराया मैंने, ये भी टैफे से लिया था, बस इसके अंदर मैंने एडिशनली करा ब्लैक कलर का आता है, ये मैंने सिल्वर हीट वाला पेंट इसके अंदर अलग से कराया है। अच्छा, जैसे मतलब गर्म होने के बाद खराब नहीं, ये कोई ख़राब नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये हीट वाला पेंट ही आता है, तो मैंने ये कराया था इसके अंदर। फिर लिफ्ट का काम, क्राउन पिनियन तक भी मैंने इसके अंदर चेंज कराते गया, इसके पीछे का लिफ्ट का सारा काम है ये भी मैंने निकल कराए हैं इसके अंदर सारे, और नई भी डलवाई है। हाँ, ये सारे सब चीज़ नया है, ये भी नए हैं इसके अंदर, ये भी नया है, ये भी, ये एडिशनल डलवाया मैंने इसके अंदर, बम्पर के इसके डम्पर के लिए भी लगवाया। हाँ, ये भी ये मैंने चेंज कराया है इसके अंदर। मैंने जो छतरी लगवाई है ये भी पूरी स्टील का है, स्टेनलेस स्टील है इसके अंदर, ये पूरी स्टील की बनवाई है, इसका जो आरओपीएस है जी जी सारा स्टील में बनवाया जी जी। ये जो लाइटें आती थी पुरानी लाइटें यही आती थी इसके अंदर, यही इसका स्टैंड है, ये भी थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कराया, ये भी स्टील की पत्ती पे लिया है मैंने, अब ओरिजिनल लाइटें हैं इसकी, ये पीछे वाली जो है, इसके मडगार्ड भी मैंने चेंज करा दिए, ये भी सारे नए डलवा दिए, ये नए डलवाए जी जी वाले मंगवा के डलवाए हैं, ओरिजिनल टैफे से, ओरिजिनल टैफे का सब सामान, पेंट की क्वालिटी भी बढ़िया है बिल्कुल, मुंह दिख रहा है बंदे का इसमें। फिर इसके अंदर जो मैंने रिम के अंदर भी जो मैंने डिज़ाइनिंग दी है पेंट की, वो भी डबल दी है,
जो कि यहाँ पर इंडिया में जितने भी आ रहे हैं ट्रैक्टर उनमें नहीं है, ये सिल्वर और येलो दोनों अलग अलग जी जी, बिल्कुल नट बोल्ट सारे नए चेंज एकदम। फिर इसके अंदर मैंने पैर वाली रेस भी लगवाई है इधर, नए मॉडल की जी जी, नए मॉडल की पैर वाली रेस लगवाई है। इसका स्टीयरिंग व्हील है ये भी मैंने नए मॉडल वाला लगवाया है, मोटे वाला जी। ठीक है जी, सारे ये भी चेंज कराए हैं डैशबोर्ड के सारे मीटर जी जी, सारे मीटर चेंज है। ये जो ये वाला है इसका इंडिकेटर पार्किंग और इंडिकेटर वाला, ये भी मैंने ये भी चेंज कराया है। ये मैंने जॉन डियर का लगवाया है इसके अंदर, ये नए 1035 वाला लगाया मैंने एयर क्लीनर इसके अंदर जी। और स्टील में ये निकल कराया हुआ है जी, सारा सारा निकल कराया हुआ है जी। सेल्फ में भी मैंने थोड़ी डिजाइनिंग दी है, डबल कलर के अंदर ये कराया है मैंने खुलवा के पूरा। अच्छा, हाँ इंजन से अलग हो गया जी जी, इसकी प्लेट जो सिल्वर होगी और बैक, हाँ और ये बॉडी कलर के अंदर भी दे दिया इसमें इसकी गुग्गी जिसको बोलते हैं येलो जी जी, ये बॉडी कलर के अंदर। इसकी आप वायरिंग की क्वालिटी देखेंगे वो भी सारी मैंने स्लीव के अंदर डलवाई है, आपको ओपन कहीं भी नहीं दिखेगी। टोटल अंदर का ये फायदा हो जाता है कहीं से शॉर्ट ना हो कभी भी, टोटल वायरिंग एकदम ओरिजिनल जो कंपनी की आती है मैंने वही वाली कराई है। ये इसका अल्टरनेटर का कवर भी मैंने ये लेके इसके बाद ये भी क्रोम कराया है, निकल कराया है जी सारा ये। और अगर इसमें सबसे हाँ हेडलाइट मैंने इसके अंदर फार्म ट्रैक 60 वाली ओरिजिनल हेडलाइट लेके और वो भी पीछे से निकल कर आई है। इसकी आगे की अगर आप जाली कहेंगे ये भी मैंने नई लेके और इसको भी मैंने निकल कराया है। फिर इसके बाद फिर ये अपने दो फ्लैग है हमारे पास, ये अपने अपने फार्म के अपने अपने आप प्रिंट करा के पूरी डिजाइनिंग करके और ये दोनों जी जी। और एक 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 ये वाला डिज़ाइन किया था। देखो किसान भाइयों, इससे हमें सीख मिलती है कि फार्मर हमारा पूरे इंडिया में कहीं भी बैठा है वो सबके साथ है और किसान भाइयों के साथ इनका भी समर्थन है, जिसपे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा होगा नो फार्मर नो फूड। और बढ़ाना फार्म जो है मतलब अपनी तरफ से फुल सपोर्ट है किसान भाइयों को, किसान आंदोलन के लिए। इसमें ये मडगार्ड भी मैंने अलग से लगवाए थे फिर निकलवा के। सबसे अच्छी डिजाइनिंग अपनी ये है जो हमने ये मैसी फर्गुसन को अपने बनवाया। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली क्या ये 35X जो है ये हमारे यहाँ नहीं आता, इंडिया के अंदर 35X नहीं आता, ये फॉरेन का है। ये तो मैंने डिजाइनिंग किया है और टर्बो भी इसमें नहीं है, लेकिन मैंने ये डिजाइनिंग कर विदाउट टर्बो है, लेकिन टर्बो स्टीकर हाँ स्टीकर लगवाया अच्छा दिखने के लिए। नहीं टर्बो जो आपने लिखवाया है और 35X है जी जी, और मेड इन यूगोस्लोवाकिया जी, मतलब एक अलग लुक आ रही है ट्रैक्टर के अंदर। और अगर इसका देखे नाम देखे मैसी फर्गुसन, इसके अंदर भी बिल्कुल अब बंदे को अपनी परछाई अपना चेहरा दिखता है नाम के अंदर। ये भी मैंने बस YouTube देख के इसके अंदर फ्लैग की भी अलग से जो है परछाई दिख रही है पूरे नाम के अंदर जी जी। मतलब हर चीज़ जो है अपने एक एक पॉइंट एक एक पार्ट्स को जो है अलग तरीके से औरों के ट्रैक्टरों को ना देखते हुए अलग और बेस्ट तरीके से तैयार करा है। हाँ मैंने औरों के ट्रैक्टर भी देखे, वैसे देख के और उनमें से जो चीज़ मुझे अच्छी लगी सिलेक्ट करके तब मैंने अपने इसमें लगवाई। फिर इसके अंदर मैंने अभी ये कपड़ा बांधा हुआ है, एक्चुअली क्या नया साइलेंसर है, थोड़ा सा ये धुआं दे रहा था तो बैक पे जा रहा था ये खराब। हाँ बनता ही है इसके, हाँ क्लिक लगता ना वहाँ से, जब तक इस पर कार्बन नहीं आएगा तब तक ये धुआं देगा ही, हाँ तो इससे ये शो खराब होती, इस वजह से मैंने इस पर कपड़ा बांधा हुआ है। ये इसके अंदर नए हॉर्न्स लगाए हैं मैंने, हॉर्न्स मिंडा के, हाँ मिंडा के हॉर्न लगाए हैं इसके अंदर मैंने। फिर ये रेड लाइट लगाई है, वार्निंग ऑरेंज जी जी ऑरेंज लाइट, हाँ ग्रैंड की लाइट लगाई है। किसान भाई आप लोग सिंपल में बत्ती बोल देते हो जी जी, ये हो जाएगी ऑन हो जाएगी, लैंप हो गए और इंडिकेटर्स हो गए, काफ़ी बढ़िया तैयार किया आपने जी जी। मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, ये वर्किंग के टाइम पे आप इस हॉर्न को भी ऑन कर सकते हैं। अच्छा, और ये कभी हाँ हाँ ऑफ करना ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना ऑफ कर सकते हैं, आप कहीं बैक भी कर रहे हैं तो भी इसको ये वार्निंग के लिए आप ऑन कर सकते हैं। और जैसी ये लाइटें वगैरह है किस तरह से जो है एलईडी लाइटें हैं, ये एलईडी लाइटें हैं और इसमें मेन बात ये है कि ये लेंस वाली भी है प्लस इसमें हाई लो भी है। अच्छा हाईलो बीम भी, इसमें हाईलो बीम भी है और ये फ्रंट में भी मैंने लगाई है हाईलो वाली और बैक में भी मैंने हाईलो वाली लगाई है।
छतरी के ऊपर, छतरी के ऊपर जो इंडिकेटर लगे ना येलो कलर वाले, इनके बारे में बताओ। छतरी ये बोलो, इसके अलावा, इसके अलावा मैंने छतरी के ऊपर भी मैंने ये लाइटें लगाई हुई हैं, और ये लाइटें देखें जल गई ना। हाँ, तो ये आप इग्निशन ऑन करने के बाद अगर फर्स्ट बटन दबाते हैं पार्किंग वाला, तो उससे ये जल जाएंगी। फ्रंट वाली भी इसके अंदर जो फार्म ट्रैक 60 के अंदर एलईडी लाइटें लगाई हैं, इसमें भी आगे हेडलैम्प में भी एलईडी जलती है। आप पार्किंग जलाती है, आपकी एलईडी ऑन हो जाएगी इसके अंदर। मतलब हर चीज़ अगर देखे बड़ा साहब, आपने बहुत बेस्ट लगाई है। मैंने बहुत सिलेक्ट की थी चीज़ें, और फिर मेरा बस मन था। डैशबोर्ड दिखाओ। हाँ, डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। तो जैसे स्विच लगता ऑन होता है, तो ये स्विच भी एक अलग दिख रहा है किसान भाइयों। इसके अंदर आपको दिखेंगे चार पॉइंट लग रहे हैं, जो कि जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे इस तरह के बल्ब जो है गाड़ियों की हेडलाइट में पार्किंग के लिए डाल देते हैं, सेम वही चीज़ इसके अंदर लगी है और अलग दिख रही है। जैसे स्विच आप ऑन करोगे चौबी, तो उसी टाइम ही ऑन हो जाती है, यानी कि बैटरी चार्जिंग के लिए। हाँ, ये आप ऑन कर चार्जिंग हाँ, तो हाँ जैसे ट्रैक्टर स्टार्ट होगा तो बंद हो जाएगा। हाँ, ये बंद हो जाएगा। फिर इसके मैंने इंजन में, अगर आप रात को देखेंगे, मैंने अंदर भी लाइटें लगाई हैं इसके शो में, जिससे ऑन जोड़ा के साथ दिख जाएगी। हाँ, मैं देखता हूँ, दिख लिए पूरा आ रहा है एकदम से, करिए बंद। हाँ, रात में बहुत अच्छा दिखता है इसके अंदर। मतलब अगर हम बात करें क्वालिटी की, और इसके आर्म्स पे भी आपने ये लगाई। हाँ, आर्म्स भी मैंने इसके लाइटें लगाई हैं, पीछे वाले हब पे भी लाइटें हैं इसके। हाँ, जल गई हैं ये अभी दिखेंगी नहीं ज़्यादा, रात को अच्छी दिखती हैं। पीछे वाले इसके हब पे भी लाइटें हैं, पीछे की साइड में। एक बार यहाँ से दिखाओ, अब दिखाओ अंदर की, बोल के अलग दिख रही है। ये पूरा रोशनी कर देता है इस पे। ये देखो डीजल टैंक है जो किसान भाई अपना, उसके बिल्कुल नीचे से सामने से आपको बिल्कुल पूरी रोशनी दिखाई दे रही होगी बोनट के अंदर, और क्वालिटी तो आप देख ही रहे हो। बोलो, इस ट्रैक्टर पे जो मैंने पेंट कराया था, पहले तो मैंने कलर बहुत सिलेक्ट किया था इसका, बहुत सोच के ये वाला कलर कराया। ये फ़ौरन में आता है ये कलर भी इस पे, मैसी पे। प्लस मैंने इस पे पेंट भी जो है 2K पेंट कराया था, फिर जिससे इसके अंदर शाइनिंग अच्छी रहे। एक आप ये देख रहे होंगे, इसमें एयर क्लीनर के ऊपर मैंने ये वाला जो मिरर लगवाया है, ये भी मैंने सिलेक्ट करके अलग से लगवाया है इसके अंदर। बुलेट का? हाँ, ये बुलेट वाला है जी, क्रोम का है पूरा। ये देखिए किसान भाइयों, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्रोम के अंदर बिल्कुल मेरी सेम परछाई आपको नज़र आ रही है। और थोड़ा सा इसके मुर्गाड में आपने लाइट लगाई ना पीछे ट्यूबों पे। हाँ, और चला के दिखाओ एक बार, मैं आपको और दिखा देता हूँ। वो इंडिकेटर के साथ भी काम, इंडिकेटर के साथ भी है जी। जलाओ एक बार, इंडिकेटर के साथ भी काम करती है। हाँ, जल गई दोनों साइड, इंडिकेटर के साथ ऑरेंज है उधर वाला, काफी बढ़िया लग रही है ये। आजकल जो है लोग डिग्गी वगैरह में यूज करते हैं गाड़ियों के ना, इंडिकेटर भी और पार्किंग भी इसके साथ साथ होगी। चलो, एक सबसे अहम बात जिसके लिए हमारे किसान भाई बिल्कुल तैयार होते हैं वो चीज़ देखने के लिए, थोड़ा सा ट्रैक्टर का साउंड हमें दिखाओ एक बार कैसा है। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं बड़ाना साहब का मैसी फर्गुसन 35X। ये देखो किसान भाई, आप स्लो भी आप इसकी चेक कर सको, इतना प्यारा लग रहा है ट्रैक्टर बड़ाना साहब का। और हर चीज़ जो है ब्रांड वाइज, क्वालिटी वाइज और कलर वाइज कोई समझौता नहीं किया गया किसी भी प्रकार का। ट्रैक्टर की लुक जो है देखते ही बन रही है। ट्रैक्टर में कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। और ट्रैक्टर का स्टार्टिंग साउंड आप देख सको किस तरह का है। और पंप भी इसके अंदर जो है कपलिंग वाला पंप है, आप देख सको कपलिंग वाला पंप है, और काफ़ी बेस्ट साउंड है ट्रैक्टर का, काफ़ी बेस्ट है साउंड ट्रैक्टर का। और क्वालिटी हर तरह से, टायर की बात करें तो BKT जो इसके अंदर टायर डाला गया है 12/4/28, और कमांडर का है BKT में। और फ्रंट टायर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा बड़ा साइज डाला गया है BKT में, ये भी BKT का
650-16 डाला गया है BKT कमांडर। चार गुड्डी में है, टायर की चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ज़्यादा है औरों से, और ट्रैक्टर की लुक बहुत बढ़िया लग रही है। एक बार इसकी सारी लाइटें वगैरह सब ऑन कर दो, हर चीज़, बत्ती भी लगा दो, बत्ती भी बंद कर दो, ट्रैक्टर बंद कर दो। इसके अलावा भी आपके पास कौन कौन से ट्रैक्टर हो रहे हैं थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूवर्स को, हमारे किसान भाइयों को। हमारे पास बड़े ट्रैक्टर और भी हैं जो हमारे फार्म पे काम करते हैं। हाँ जी, अभी मैं लेटेस्ट में अभी एक IMT और लेके आया हूँ 533, उसको भी मैं शौक के लिए बस तैयार कर रहा हूँ। तैयार कर रहे हो उसको भी? हाँ, उसको भी तैयार करूँगा बहुत जल्दी, और आपको बुलाऊँगा मैं उसके लिए भी, वो बहुत जल्दी तैयार होगा। तो बड़ाना साहब, आपका तय दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने हमें टाइम दिया और इतनी एक यूनिक चीज़ आपने तैयार कराई है। बहुत सारे किसान भाई जो हैं ट्रैक्टर मॉडिफाई करवाते रहते हैं, लेकिन आपने उनसे अलग हटके एक अलग पहचान दी मैसी को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया से एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स और उसके फुल स्पेसिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।